यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। घर पर भी हम आलू टिक्की बर्गर बहुत अच्छे से बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाज़ार में इतनी आसानी से मिल जाता है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये सही बात है कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाज़ार में स्वच्छता का ख्याल ढंग से रखा गया है या नहीं रखा गया ये हमें नहीं पता होता। अगर हम ये घर पर बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हमें पता है कि हम उन्हें क्या खिला रहे हैं। तो आइए हम आलू टिक्की बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिक्की का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम मैश करके एक बाउल में डालेंगे। मटर डालेंगे, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला आप पनीर का भी बना सकते हैं, ये हम आलू टिक्की बर्गर बना रहे हैं तो इसीलिए हमने आलू का मसाला बनाया है। ये मैंने पोहा डाला, इसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। पोहा डालने से हमारे आलू का जो मॉइस्चर है वो पोहा सोख लेगा और हमारी टिक्की बहुत अच्छे से बनेगी, इसलिए इसे आप स्किप मत कीजिएगा। मसाला तैयार है, अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बाउल में कॉर्नफ्लोर डाला है, मैदा डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी की सहायता से इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। हमारा ये स्लरी भी तैयार है, आलू का मिक्सचर भी तैयार है, और ये मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम लिए हैं। मैंने ब्रेड लेके उनको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लिया था, वो इस तरह ब्रेड क्रम बन गए हैं। अब हम इस मसाले से टिक्की बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये टिक्की बनकर तैयार है। अब हम इसे स्लरी में डालेंगे। अच्छे से स्लरी में डिप करने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये प्रोसेस हम दो बार करेंगे। ऐसा करने से हमारी टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। एक बार ब्रेड क्रम से कोट करने के बाद हम इसे फिर से स्लरी में डिप करेंगे और फिर से ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। ये हमारी दो बार स्लरी और ब्रेड क्रम में कोट होकर टिक्की बनकर तैयार है। इसी तरह हम अपनी सभी टिक्कियाँ बना लेंगे और बनाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम बर्गर सॉस तैयार करेंगे। मैंने एक बाउल के अंदर मेयोनीज डाली है। और इसके अंदर हम सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये बर्गर सॉस बनकर तैयार है। मैंने गैस के ऊपर ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। अब हम फ्रिज में से निकाल कर अपनी टिक्कियाँ इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्रिज में रखने से हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सेट हो जाती हैं और फ्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है ताकि टिक्की अंदर तक सिके। हमारी ये टिक्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपनी सभी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद मैंने गैस पर एक तवा रखा है और बर्गर बन को मैंने दो हिस्सों में काट लिया है बीच में से कट लगाकर। इन्हें हम ड्राई ही रोस्ट करेंगे, इन्हें हम करारा होने तक रोस्ट करेंगे। हमारी ये बर्गर बन रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम अब एक ट्रे में सेट करेंगे और इनके ऊपर जो हमने बर्गर सॉस तैयार की थी वो अच्छे से लगा देंगे। बर्गर सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे। टिक्की रखने के बाद अब हम इसके ऊपर
प्याज के रिंग्स रखेंगे, जिसे आप छल्ले भी कह सकते हैं कि प्याज के छल्ले रखेंगे, और फिर इसके ऊपर हम टमाटर का पीस रखेंगे। बर्गर बन को दो हिस्सों में काट कर ही रोस्ट कीजिए, फिर इससे करारा बनता है। हमने टमाटर और ऑनियन रिंग्स सेट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। हम बर्गर बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर कर देंगे। हमारा ये आलू टिक्की बर्गर बनकर तैयार है। आप चाहें तो आप इसमें चीज़ की स्लाइस भी रख सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। कुछ लोग इन्हें फ्राई करके भी सर्व करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, इसलिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है। हमारे ये टेस्टी टेस्टी आलू टिक्की बर्गर बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।